अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसकेएम 91 न्यूज़। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में गैंग अटैक का वाकया पेश आया। तफसलात के मुताबिक मोहम्मद साजिद नामी शख्स, जिनकी पिछले 7-8 साल से किराने की दुकान व मकान है, साजिद जब दुकान पर काम कर रहे थे उसी दौरान कुछ लोग आकर पत्थर उठाने बोले, जिसके सबब बहस हुई और 15 से ज़्यादा लोगों ने साजिद और उनके भाइयों पर हमला किया। साजिद ने इल्ज़ाम लगाया कि हमेशा से ही उस बस्ती में वो लोग हमला करते रहते हैं या किसी को हरासा करते हैं। आइए सुनते आगे की तफसलात मोहम्मद साजिद की जुबानी। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद अरबाज की एक खास रिपोर्ट पेश है। एसकेएम 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हूं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट एसकेएम 91 न्यूज़। साजिद है और मेरा मकान पंच भाई अलावा कुलसुमपुरा पीएस लगता, वहां पे मेरा किराना शॉप है। अलहमदिल्ला 6-7 साल से हूं मैं, लेकिन दिन ब दिन इन लोगों की हिम्मत इतना बढ़ती जा रही कि इन लोग को उधार देना, नहीं दिए तो लड़ाया होना। आज इतनी हिम्मत बढ़ गई कि 15 जने मिल के है सो हमारे भाई पे, मेरे पे, तीनों पे अटैक कर दिए। और बात कुछ भी नहीं है, मेरी दुकान के सामने पत्थर था तो वो लोग आगे बढ़े पत्थर हटाना। हम बोले क्यों हटाना भाई, हम फेल गए नहीं, टरे नहीं, बोले तो उनको इतना रुआब है कि भाई हमारा चिच्चा लीडर है इसीलिए हम जो बोले सुनना। छोटा था बच्चा भी आता, जवाब देना, डाली ग्लोस करना, अगर उसमें हम कुछ बोलते उन्हें जाके 10-15 जनों को लेके आता, हमारे पे अटैक करता, हमारे मारता। फिर पी एस टू जाते, पी एस में कंप्रोमाइज, तब तक कंप्रोमाइज करेंगे हम। अब हम भी क्या करना बोलिए, अब हम कारोबार छोड़ के लड़ाया लड़ लेते बैठना क्या बोलिए, इन लोगों की वजह से इन लोगों को टाइटा पावर दिए। मैं कुलसुमपुरा पी एस सी आई साहब से यही चाह रहा हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना। अगर कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों के ऊपर तो मैं ACP ऑफिस, DCP ऑफिस जाऊँगा, अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला। और मोहम्मद रौस जो है अपने आप को रॉडी शीटर समझता और उन्हें पी लेते ज़मीनों में, बहुत उसके बैकग्राउंड चेक करिए। मोहम्मद रौस आके पूरा उनको लड़ने लगा, मेरे को मोहम्मद रौस पे केस बुक करना है। अगर नहीं हुआ ठीक है, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं खुद ACP ऑफिस जाके जला लूँगा। जब मेरी ज़िंदगी, मेरे को जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा पुलिस से तो मैं क्या करूँ जिंदा रह के। अच्छे लोगों CI साहब से कंप्लेंट करे, उन्होंने उस्मानिया को भेजा है, हमारा मेडिकल हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में मेरे भाई के नाक का पूरा फ्रैक्चर हो गया। मेरे को देखिए आप, पूरे 15 जने मिलकर मारते, इतनी जाहिलत बना है, कितना पावर है आपके पास। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं वहीं PS के सामने जला लेके मरूंगा। मेरे को मोहम्मद रौस उसका नाम है, उन्हें पकड़ के मारने थे 15 जने एक्टर। मोहम्मद रौस, मतीन, मोहम्मद लियासत भाई के सामने, इमरान, इरफान, ये पूरे इतने जने हैं और उनके चिचा के बेटे हैं। मैं मेरे काम में बिजी रहता हूँ, मेरे को बच्चों के नाम अभी नहीं मालूम, सूरत ना मालूम है, लेकिन उन लोग को क्या दुश्मनी है, इसीलिए कि उन लोग को पावर है कि हमारे से कोई भी यहाँ नहीं लड़ सकता। उनके पूरे धड़ा वहीं से और उनको लीडरशिप मिला सो है, कोसी MBD है, कांग्रेस है, MIM है, वो मालूम करके मैं कल बोलूँ रहा, उनको लीडर है, जिसका बोले बुलाना, इनसे उनसे पैसे उठाना, ये इन लोगों का क्या हो रहा, पूरा सट्टम पूरा एट है। उनसे बस्ती में कोई लड़ नहीं सकता, अगर कोई आवाज़ ऊंची करा तो 15 जने मिलके मारते, क्या ढूंढा था हमारा। हाँ, हम कारोबार करना नहीं छोड़ देते, अब लड़ाया लड़ लेते बैठना। पुलिस चाह रही थी जो भी आपको परेशानी आई, फ्रेंडशिप पुलिस है, आके बताई, बोले अब हम आके कंप्लेन दिए, हमारे से इंसाफ होना, अगर इंसाफ नहीं मिला मैं ACP ऑफिस के सामने पेट्रोल डाल के जला लूँगा। मेरे को इंसाफ होना, मोहम्मद रौस अरेस्ट होना। मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, मेरी दुकान है, मैं दुकान चला रहा हूँ, लेकिन मेरे पे आज अटैक हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। मैं पुलिस से यही चाह रहा हूँ कि उन लोगों को अटेस्ट करना, सबसे सब कार्रवाई होना। अगर अरेस्ट नहीं हुआ मोहम्मद रौस, कल के दिन जो भी होगा तेलंगाना पुलिस का होगा।